तो आज मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से पनीर कैसे घर में बना सकते हैं उसकी रेसिपी बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं पनीर बनाने के लिए सबसे पहले 2.5 लीटर मैंने दूध लिया है, और दूध आप देख सकते हैं फुल क्रीम दूध लिया है इस टाइम मैंने, जो नॉर्मली हम लोग घर में यूज़ करते हैं वो वाला मैंने दूध लिया है। और मलाई इसमें मैंने ऊपर से भी डाली है आधी कटोरी के लगभग, ताकि जब हम लोग पनीर निकालें तब पनीर एक्स्ट्रा निकले। तो आप देख सकते हैं ये 2.5 लीटर दूध में मैंने बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया है, ये बिल्कुल प्योर दूध है। तो हम लोग अच्छी तरीके से इसको गर्म कर लेंगे, पहले भी मैंने इसको गर्म कर लिया था बट एक उकाल आने तक इसको और पका लेना है। तो आप देख सकते हैं इसमें एक उकाल भी आ चुकी है 3 मिनट के बाद। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एक उकाल आने के बाद गैस का फ्लेम थोड़ा सा हम लोग लो करेंगे, और आप इसको नींबू से भी फाड़ सकते हैं, और इस टाइम विनेगर से मैं फाड़ रही हूँ। अगर आपके पास विनेगर नहीं हो तो आप नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं दूध फाड़ने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये मैंने आधी कटोरी के लगभग विनेगर लिया है, इसमें आधा विनेगर है और आधा पानी है, मैंने दोनों ही को मिक्स कर लिया था। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग विनेगर और पानी एक साथ डाल देंगे थोड़ा थोड़ा, और इसको इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे ताकि जब हम लोगों का पनीर निकले तब वो सॉफ्ट हो, बिल्कुल जैसे मार्केट का पनीर होता है उस तरीके का इसका टेस्ट है अगर आप इस तरीके से इसको यूज़ करेंगे फाड़ेंगे तो पनीर को। तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा हम लोग इसमें डालेंगे, अगर आप एक साथ डालेंगे तो पनीर खट्टा भी हो सकता है और फटने में भी दिक्कत हो सकती है फटने में पनीर को। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसमें फटना स्टार्ट हो चुका है, तो अब जितना भी था मैंने डाल दिया है तो थोड़ा सा और बचा है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से फटना स्टार्ट हो चुका है ये, तो अच्छी तरीके से पूरा फट चुका है। तो 1 से 1.5 मिनट लगी इसको फटने में, जो एक्स्ट्रा और भी था उसको भी मैं डाल दिया मैंने। तो अब इस तरीके से आप देख सकते हैं पनीर सेपरेट हो चुका है, तो इसको 1 मिनट के लिए और उकाल आने के लिए रखेंगे ताकि जो हम लोगों का पानी है वो भी अलग हो जाए और पनीर भी सेपरेट हो जाए। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से 1 मिनट हो चुकी है, तो बिल्कुल पनीर सेपरेट हो चुका है और पानी भी सेपरेट हो चुका है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट पनीर बन के तैयार हुआ है ये, तो आप घर में बिल्कुल आसान तरीके से डेयरी जैसा पनीर जमा सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने एक उकाल इसमें लिवा ली है, 1 मिनट और भी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं पनीर बिल्कुल अच्छी तरीके से बनके तैयार हो चुका है। तो गैस का फ्लेम हम लोगों को ऑफ कर देना है, और इस तरीके से बिल्कुल अलग हो चुका है देख सकते हैं आप पानी से पनीर। तो इस तरीके से हम लोगों को करने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है, और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ। और ये मैंने कढ़ाई ली है, तो कढ़ाई के हम लोग इस तरीके से ऊपर एक चुन्नी लगाएंगे। इस टाइम मैंने कॉटन की चुन्नी ली है, आप देख सकते हैं आप कोई भी कॉटन का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। और अब इस तरीके से हम लोगों को डाल देना है पनीर और पानी को, इससे होगा ये कि जो पानी है वो कढ़ाई में उतर जाएगा पूरा, और जो पनीर है हम लोग उसको कपड़े में छान लेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो जो एक्स्ट्रा पनीर है उसको भी हम लोग डाल देंगे ऊपर से। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पनीर बन के तैयार हुआ है, अगर आप बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे तो बहुत ही अच्छे से पनीर बन के तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसको निकाल लिया है, तो अब कपड़े को इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। तो अब इस तरीके से कर लेना, और जितना भी पानी है उसको इस तरीके से निचोड़ कर रख लेंगे हम लोग। तो ये पानी देख सकते हैं आप अलग हो चुका है, तब इसको साइड में रखेंगे और जो पनीर है हम लोग उसको चेक कर लेंगे एक बार। तो आप देख सकते हैं फिर से मैंने कढ़ाई में बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें, तो अब जो हम लोगों का पनीर है उसको धुल भी लेना है अब। और आप देख सकते हैं कितना वाइट बन के तैयार हुआ है पनीर, तो जो अब नॉर्मल ठंडा पानी होता है उससे हम लोग धुल लेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को कर लेना है ताकि जो विनेगर की खुशबू है वो भी चले जाए पनीर से, और बिल्कुल वाइट पनीर आप देख सकते हैं लग रहा है इस टाइम। तो इस तरीके से मैंने इसको धुल भी लिया है, तो अच्छी तरीके से इसका पानी निचोड़ लेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से निचोड़ लेना है पानी को। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसमें जितना भी पानी है उतना इसमें निचोड़ लिया है इस तरीके से। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अब इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल इसका पानी निचोड़ कर रख दिया है सेट करने के लिए प्लेट के ऊपर। और इस टाइम मैंने बड़ा वाला बर्तन लिया है, उसमें मैंने पानी डालकर रखा है। आप कोई भी सिलबट्टा भी आप ले सकते हैं, या हम लोग जो चकला यूज़ करते हैं उसको आप भी आप रख सकते हैं इसके ऊपर। कोई भी भारी बर्तन आपको रखना है 1 से 1.5 घंटे के बाद। तो आप देख सकते हैं पनीर बनके तैयार हो चुका है, कितना ज़्यादा अच्छा बना है ये। तो अगर आप इसको कट करेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से लगेगा। तो हमारी सिंपल तरीके से पनीर बनाने की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं, और अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।